हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम 6th, 7th, 8th, 9th और 10th के लिए जो बेसिक कर रहे हैं उसका आज मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूं व्रत से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, व्रत क्या होता है? सबसे पहले व्रत, व्रत वह बंद गोल आकृति है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी दूरी उसके बीचों बीच स्थित बिंदु से सदैव समान हो। वह बंद गोल आकृति जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी उसके बीचों बीच स्थित बिंदु से सदैव समान हो व्रत कहलाती है। ठीक है, व्रत वह बंद गोल आकृति है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी उसके बीचों बीच स्थित बिंदु से सदैव समान हो व्रत कहलाती है। जैसे कि ये देखिए व्रत है, इस पर कहीं भी कोई सा भी बिंदु ले लीजिए, कहीं भी अनंत बिंदु है, इस पर कोई सा भी हम बिंदु लेंगे इस पर, तो उसकी जो दूरी है वो यहाँ इसके बीचों बीच जो स्थित बिंदु होता है उससे हमेशा क्या होगी, समान होगी। इसके बाद आता है नंबर दो पे व्रत का केंद्र। व्रत का केंद्र क्या होता है? व्रत के बीचों बीच स्थित बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है। व्रत के बीचों बीच जो बिंदु होता है ना उसको व्रत का केंद्र कहते हैं। तो ये जो है ये व्रत का केंद्र है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आएगा, ये तो हो गया व्रत। अब व्रत का केंद्र, तो ये व्रत है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ये वाला हिस्सा व्रत का केंद्र, इसका कोई भी नाम हो सकता है, आमतौर पर इसको ओ नाम से लिखा जाता है, बाकी इसका कोई भी नाम दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा व्रत की परिधि। व्रत की परिधि, तो व्रत के एक चक्कर की दूरी व्रत की परिधि कहलाती है। फिर आएगा, देखिए व्रत की परिधि क्या है, ये जैसे व्रत है तो ये जो एक चक्कर की ये जो दूरी होगी, ये वाली एक चक्कर की दूरी, ये व्रत की क्या कहलाएगी, परिधि। ये जो एक चक्कर की पूरी दूरी है ना, यहाँ से अगर स्टार्ट हो वापस यहीं पर ही आ जाए तो ये जो एक जो चक्कर होता है वो व्रत की परिधि कहलाता है। चौथा पॉइंट है व्रत की त्रिज्या। चौथा पॉइंट क्या है, व्रत की त्रिज्या। तो व्रत के केंद्र को
परिधि से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यूं कह सकते हैं केंद्र से परिधि के बीच दूरी, केंद्र से परिधि के बीच जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को फ्रेंड्स आर लिखा जाता है, जब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तो इसको आर लिखते हैं। आर का मतलब होता है रेडियस। ठीक है, रेडियस का मतलब भी क्या होता है, त्रिज्या ही होती है। अब जैसे ये वो केंद्र है, अब परिधि का एक ये बिंदु है ए मान लो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, ए ओ ए। त्रिज्या बहुत सारी हो सकती है, इस केंद्र को यहाँ से मिला सकते हो। अब यहाँ बी लिख दें तो ये भी त्रिज्या हो गई ओ बी, तो ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जो केंद्र को परिधि से मिलाते हैं रेखा बनती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, त्रिज्या को क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, रेडियस बोलते हैं, इसीलिए इसको आर से व्यक्त किया जाता है जब हम सूत्र बनाते हैं तब। पांचवा पॉइंट है अपना वृत्त की जीवा। ठीक है, कोण, वृत्त की जीवा। जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड व छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड व छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। जैसे कि देखिए ये एक वृत्त है, अब वृत्त की जीवा क्या होती है, जैसे ये सेंटर है तो वो सेंटर से होकर नहीं जाएगी फिलहाल, अपने कहीं से भी ऐसे जा सकती है। परिधि के दो बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, अब इनको मिलाया तो ये जीवा बन गई। ये क्या बन गई, जीवा। ये वृत्त की जीवा हो गई। अब ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, मान लो एक रोटी है, रोटी का ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, यानी बड़ा वृत्तखंड। वृत्तखंड यानी वृत्त का हिस्सा, तो बड़े वाला वृत्त का हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले जो वृत्त का हिस्सा बचेगा उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आगे व्यास वृत्त का, व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है,
वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। देखिए परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सिर्फ, अब वो केंद्र से नहीं गुजरेगी तो वो जीवा कहलाएगी, और अगर वो केंद्र से गुजरी तो वृत्त का व्यास कहलाएगी। और व्यास क्या होती है? व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो व्रत को दो समान भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। प्रत्येक भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। जैसे ये है, अब ये केंद्र है, अब इस केंद्र से होकर के ये जाएगी रेखा तो ये वृत्त का व्यास कहलाएगी। ये पूरा जो है वो व्यास है, व्यास को डायामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। और दो समान भागों में बांटेगी, यानी एक रोटी उसके दो बराबर टुकड़े कर दो फोल्ड करके, तो जो आधा आधा टुकड़ा ये बचेगा ये क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा? ये अर्धवृत्त, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो व्यास है, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है? व्यास देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्याएं मिल रही हैं और एक सरल रेखा बना रही है और वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही, तो ये क्या कहलाएगी? व्यास। तो व्यास त्रिज्या का दुगुना या दो गुना होता है। इसके बाद आएगा फ्रेंड्स वृत्त के व्यास के बाद सातवां पॉइंट है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है? त्रिज्य खंड वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा बने वृत्त के टुकड़ों को त्रिज्य खंड कहते हैं। बड़े भाग को बड़े भाग को
दीर्घ, त्रिज्यखंड व छोटे भाग को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। आठवां पॉइंट है हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड में क्या होगा, जीवा व्रत को दो असमान भागों में बांटती है जिन्हें व्रतखंड यानी व्रत के टुकड़े कहते हैं। बड़ा भाग दीर्घ व्रतखंड, वह छोटा भाग लघु व्रतखंड कहलाता है। बड़ा भाग दीर्घ व्रतखंड व छोटा भाग लघु व्रतखंड कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिज्या खंड का भी मैं चित्र बनाकर बता देता हूँ आपको। ये जैसे व्रत है उसका ये जो त्रिज्याएं हैं, ये केंद्र है, केंद्र से दो त्रिज्याएं आ गई, तो ये छोटा भाग हो गया, ये कहलाएगा लघु त्रिज्याखंड, और ये जो बड़ा भाग होगा वो दीर्घ त्रिज्याखंड। इसी प्रकार से यहाँ से इनको बना लो, तो जीवा से बना ये छोटा भाग लघु वृत्तखंड और ये बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे व्रत से रिलेटेड 10th तक के जो टॉपिक हैं जिनको परिभाषित करना होता है अपने को, तो उनसे। अब इसकी जो थ्योरम है वो 6th, 7th, 8th में काम आती नहीं है, 9th और 10th में आती, तो उसका टॉपिक आपको अलग से करवा देंगे। तो ये फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो उन सबकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाए जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको जो है सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।